तो आज के इस वीडियो में मैं आपको माता भद्रकाली मंदिर की हिस्ट्री बताऊंगा, जो लाल दरवाजा एरिया में स्थित है। और मैं यहाँ पे आपको भद्रकाली मंदिर में भद्रकाली माता की आरती होते हुए भी दिखाऊंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रैवलिंग पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर रखता रहता हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सजल उपाध्याय है और अभी मैं पहुँच चुका हूँ भद्रकाली मंदिर। और भद्रकाली मंदिर जो है वो माता भद्रकाली मंदिर के रूप में भी इससे ज़्यादा लोग जानते हैं। और मेरे सामने यहाँ पे तीन दरवाज़ा है और तीन दरवाज़ा के एग्जैक्ट सामने यहाँ पे भद्रकाली मंदिर है और भद्र फोर्ट है। ये जो मंदिर है वो अहमदाबाद का सबसे पुराना मंदिर है। ये मंदिर भद्रकाली माता को समर्पित है और इसे अहमदाबाद की नगर देवी के रूप में भी माना जाता है। तीन दरवाजे के एग्जैक्ट सामने आपको भद्रकाली माता का टेम्पल दिख जाएगा। तीन दरवाजा से भद्रकाली माता का जो टेम्पल है वो एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो आप यहाँ पे जैसे ही आओगे तो आपको एक बड़ा गेट दिख रहा होगा, उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। और बीच में यहाँ पे भद्रकाली माता का मंदिर है और बाजू में यहाँ पे भद्र फोर्ट का एंट्रेंस है। तो ये जो बड़ा सा गेट जैसा आपको दिख रहा है, ये गवर्नमेंट बुक डिपो है, जिसे सरकारी पुस्तकालय भंडार भी कहते हैं। और उसके एग्जैक्ट बाजू में भद्रकाली माता का मंदिर, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया। तो अभी मैं आपको यहाँ की हिस्ट्री और यहाँ की स्टोरी बताता हूँ। अहमदाबाद यूँ तो सभी मंदिर भक्तों की आस्था के केंद्र है, लेकिन कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जो उनके पौराणिक कथाओं को समेटे हुए हैं। उन्हीं में से एक है भद्रकाली माता का मंदिर। शहर के बीचों बीच बसे इस मंदिर को नगर देवी के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि अभी शुरुआत में हमको बताया। माना जाता है कि माता भद्रकाली में शक्ति के तीन रूप समाहित है, महाकाली, महालक्ष्मी एवं सरस्वती का संगम है माता भद्रकाली। कथाओं के अनुसार पाटन के राजा एवं गुजरात राज्य के स्थापना करने वाले राणा करण देव ने आसावल के भील राजा को हराकर कर्णावती नगरी की साबरमती नदी के किनारे स्थापना की थी। नगर की स्थापना के भाग रूप उन्होंने सर्वप्रथम राजदेवी मां भद्रकाली की स्थापना की थी। 14वीं शताब्दी में अहमद शाह ने अहमदाबाद को बसाया, तब उन्होंने अपने किले के बाहर अपने राजपुरोहित की इच्छा अनुसार मंदिर की स्थापना कुछ ऐसे करवाई कि माता की दृष्टि संपूर्ण नगर पर हो। आज भी यह मंदिर उन राजपुरोहित के वंशजों की देखरेख में है। यह मंदिर सल्तनत युग, मुगल युग, मराठा युग एवं ब्रिटिश युग आदि का साक्षी रहा है। मंदिर का मुख्य आकर्षण शेर, हाथी, नंदी, कमल जैसे मां काली के दैनिक सवार परिवर्तन है। शहर के व्यापारी समुदाय उनके चरणों में कमल का फूल चढ़ाकर अपने नए कार्य का परिचय करते हैं। बताया जाता है कि माता की प्रतिमा प्राचीन है। मराठा के शासन पेशवाओं के समय माता के मंदिर में पूजा अर्चना व विकास शुरू हुआ, जो आज नगर देवी के रूप में प्रसिद्ध है। नवरात्रि के दौरान ही नहीं, रोजाना बड़ी संख्या में भक्त माता के दर्शन करने पहुँचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो अभी मैं आपको भद्रकाली मंदिर में माता भद्रकाली की आरती होती है वो दिखाऊंगा। Come on.
मंदिर में आरती सुबह 8:30 बजे शुरू होती है। अगर आप भद्रकाली माता मंदिर सुबह दर्शन करने के लिए आते हो तो यहाँ पे 8:30 बजे आरती शुरू होती है, तो एक बार ज़रूर यहाँ की आरती देखना, आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा। मंदिर में प्रत्येक रविवार, पूर्णिमा, दोनों नवरात्र, चैत्र व शारदीय एवं देव दिवाली और त्योहारों पर भक्तों के भेंट रहती है। दीपावली पर धनतेरस से लेकर नए वर्ष तक अर्थात 4 दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। मंदिर में हर रविवार को भंडारा होता है जिसमें बड़ी संख्या में भक्त प्रसादी ग्रहण करते हैं। भद्रकाली माता मंदिर के बाजू में बहुचराजी माता का मंदिर भी है। बहुचराजी माता का मंदिर भी बहुत ही प्रसिद्ध है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके बारे में आपको थोड़ा बता सकूँ। श्री बहुचर माता जी नु मंदिर बाला त्रिपुरा सुंदरी। तो हमारे साथ अभी जनक भाई जोशी है जो अभी यहाँ के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे। आ बाजू में जो भद्रकाली मंदिर है जेटलू पुराणु है 350 वर्ष जूनु, एटलू जहाँ मंदिर पर 350 वर्ष जूनू है एटलू पुराणु है। જ્યારે આ મંદિર જે ભદ્રકાળીનું મંદિર બન્યું ત્યારે આને જોડે જોડે આની બી સ્થાપના કરવામાં આવેલી છે અને માતાજીને અહીંયા આગળ સ્થાપના કરીને માતાનું મંદિર બનાવવામાં આવ્યું છે। સવારે અને સાંજે બંને ટાઈમ આરતી થાય છે, સવારે 7:30 વાગે આરતી થાય છે, રાત્રે 8 વાગે આરતી થાય છે। હા, મારું નામ જનકભાઈ જોશી, આપણે તો અહીંયા જે અને માતાજીની સવારી છે, માતાજી અમારે ભૂચર માતા છે, કુકડા પર સવારી કરે છે એટલે કાયમ કુકડા પર જ સવારી રહેશે માતાજીની, અને આના માટે મોટો અમે ચાંદીનો એના માટે કુકડો બનાવેલો છે, એના પર કાયમ સવારી રહેશે, અમારે સવારી બદલાતી નથી કેમ કે માતાજી કુકડાને સવારી વાળે છે। આ જોશીભાઈ અહીંયા છે, જ્યારે આપ યહાં પે આઓ તો અગર આપકે કુછ ભી ઇન્ફોર્મેશન ચાહીએ તો આપકો યે દેંગે। તો અભી આપને શ્રી ભદ્રકાલી માતા મંદિર ઓર શ્રી બહુચરાજી માતા મંદિર દર્શન કર લીએ। તો ભદ્રકાલી માતા મંદિર કે સામને 3 દરવાજા હે, 3 દરવાજા કી ઘોખ મેં करीब 600 साल से ज़्यादा वहाँ पे अखंड जोत जल रहा है, तो अगर आपको वहाँ पे दर्शन करने तो आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हो। और इसकी एक छोटी सी स्टोरी है जो अभी मैं आपको बता देता हूँ। और मैंने 3 दरवाजे के ऊपर भी एक अलग सा वीडियो बनाया है, अगर आपको 3 दरवाजे के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा और आप मेरे चैनल पर जाके भी वो वीडियो देख सकते हो। 3 दरवाजे के एक घोख में एक दीपक 600 साल से भी ज़्यादा समय से प्रज्वलित रखा गया है। एक मुस्लिम परिवार के द्वारा इस दीपक की निगरानी होती है और अखंड प्रज्वलित रखा जाता है। इस मुस्लिम परिवार के द्वारा कई पीढ़ियों से ये कार्य हो रहा है। तो चलिए अब मैं आपको इन परिवार के एक सदस्य से मिलवाता हूँ। मेरा नाम मिर्जा यूनुस जब्बार भाई है, मैं यहाँ पे सेवा करता हूँ दिए की। और ये अहमद साहब मास्टर के जो मुरीद थे ख्वाजा सिद्दीकी कोटवाल, यहाँ खड़े हुए थे, ये लक्ष्मी का वास है। और हमारे जो मुरीद थे पैगंबर अहमद साहब बादशाह के मुरीद, वो यहाँ पे खड़े हुए थे, लक्ष्मी आई नगर देवी, वो बाहर जाने को कह रही थी। अगर देखना चाहो तो ये लक्ष्मी का वास है और हमारे पैगंबर की बैठक है, सुल्तान अहमद साहब बादशाह की बैठक थी। तो वो वहाँ से आते घोड़े सवार और लगे सिपाही यहाँ पे खड़ा हुआ रहता है, बोलता है क्या आपको कहाँ जाना है, तो बोले मेरे बाहर जाना है फोर्ट विस्तार के बाहर। बोले ऐसे तुम नहीं जा सकते, मैं पूछ के आता हूँ बाद में तुम जाना। तो वो गुलाम पूछने जाता है, इतनी देर में भाई अहमद शाह बादशाह खुद आते हैं, बोले क्या है सरकार, बोले ऐसा मान रहा है कि नगर देवी आई हो और मैंने उसको रोक के रखा है। बोले अब तू क्या चाहता है, बोले मैं यही चाहता हूँ कि लक्ष्मी मानक चौक से बदल ही रहे जाए नहीं मतलब। तो उसको शहीद कर देता गुलाम को अहमद शाह बादशाह। तो गुलाम की कब्र भद्रक बाजू में किला है ना, पीछे का भाग वहाँ पे,
और जब से मतलब ये जोत जलती रही है 600 साल और 5 बरस ऊपर हो गए। अच्छा। मतलब कौमी एकता सभी आते हैं यहाँ, कोई फूल चढ़ाओ, कोई घी, कोई अगरबत्ती, जब से ये जोत चलती है मेरे फादर मेरे दादा हमारी पीढ़ी है। महालक्ष्मी जी की प्रतिनिधि स्वरूप माँ काली का मंदिर विद्यमान है जो भद्रकाली के नाम से सुप्रसिद्ध है। यह भद्रकाली का मंदिर 3 दरवाजा के सामने भद्र फोर्ट दिखाया था, ये वही जगह है। तो आप ये मंदिर देख पा रहे होंगे, ये श्री भद्रकाली माता का मंदिर है। भद्रकाली मंदिर दिखा दिया है और भद्रकाली मंदिर के अंदर आरती भी दिखा दी है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैंने अहमदाबाद, लेह लद्दाख, अमृतसर और मनाली के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, करीब 70 वीडियोस बनाए, उनमें से कुछ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा और आप मेरी चैनल पे जाके भी देख सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल रोहनविल ट्रैवल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।